चंद बालियां घुटों पे गाली सुनने का मौका ना मिला, मैं तो तेरे पीछे हो गया। Hi guys, welcome back to my channel. This is Peechu. और आज की वीडियो में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, आप देख सकते हो। मुझे अपना इंट्रोडक्शन फटाक से ख़त्म करना है क्योंकि आखिरकार वो दिन आ ही गया है जब मैं सरोजनी हॉल वीडियो शूट कर रही हूँ। आपको पता है, जब मैंने ना YouTube स्टार्ट नहीं किया था तो मैं बहुत सोच रही थी कि मैं YouTube में ये डालूँगी वो डालूँगी, और ये सरोजनी हॉल वीडियो तो एकदम मैंडेट था कि मेरे को ये तो डालना ही है। जबकि मैं मुंबई से हूँ पर मैंने सोचा था कि मैं दिल्ली जाऊँगी, दिल्ली से शॉपिंग करूँगी और एक सरोजनी हॉल वीडियो डालूंगी, क्योंकि मैंने बहुत सारे यूट्यूब में सरोजनी हॉल देखे हैं। आज मेरा सरोजनी हॉल वीडियो है, सो आई एम सुपर एक्साइटेड। पता नहीं मैं ये सब क्यों बता रही, बस मज़ा आ रहा है। सो लेट्स गेट इनटू इट। और मुझे पता है आप भी बहुत एक्साइटेड हो क्योंकि मैंने ऑल्सो मीचू के जो भी दिल्ली की व्लॉग्स है सब में यही है कमेंट में, सरोजनी हॉल का बारा है, सरोजनी हॉल का बारा है। आई गेट यू गाइस, आई गेट यू गाइस। वैसे मैंने इतनी शॉपिंग नहीं की है, मुझे लगा था कि मैं और शॉपिंग कर सकती थी और टाइम नहीं था। और एक्चुअली ना आजकल मैं ऑनलाइन शॉपिंग वाली ज़्यादा बन गई हूँ, तो ऑफलाइन में ना मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, जल्दी मेरा हो जाता है कि बस अब हो गया है। पहले ना मैं क्लोथिंग पार्ट दिखाना चाहूँगी, जो भी मैंने आउटफिट्स लिए हैं क्योंकि वो कम है, फिर ज्वेलरी, फिर बैग्स। सो द फर्स्ट थिंग आई गॉट इज दिस ब्लेजर, मैं पहन के बता देती हूँ। दिस इज अ ब्लैक ब्लेजर और ये मुझे कब से लेना था। आई थिंक ब्लैक ब्लेजर एक ऐसी चीज़ है जो मतलब स्टेबल है आपके वार्डरोब में, और मुझे बहुत टाइम से लेना था लेकिन ज़ारा H&M में ना 3000-4000 के मिल रहे थे, तो मुझे बार बार आलस आ रहा था कि यार कौन डालेगा इतना, मे भी बाद में जब ज़रूरत पड़ेगी। तो जब ये जैसे दिखा मुझे लगा ले लेती हूँ, भले इसका लुक मुझे ओके लगा है, थोड़ा सा बेटर हो सकता था लेकिन मुझे लगा ले लेती हूँ, कहीं ना कहीं काम आ जाएगा, स्टाइलिंग वीडियो में काम आ जाएगा। एंड आई गॉट इट फॉर ₹500, मतलब सिर्फ 500 में, और वो ज़ारा इच्छे में मिलता है 3000-4000 में भी। मटेरियल का थोड़ा तो डिफरेंस होगा ही, इसका मटेरियल ओके है, बट अगर मैं नहीं लेती ना तो मुझे रिग्रेट होता। मुझे पता है कि मैं मुंबई आके सोचती शी यार वो ब्लेजर ले लेना चाहिए था, 500 का ही था। तो ये है मेरा फर्स्ट परचेज। लेट मी नो व्हाट डू यू गाइस थिंक, गुड परचेज और बुरा तो नहीं है, ओके परचेज कमेंट में बताना जरूर, मैं पढ़ूंगी। अब चलो नेक्स्ट आउटफिट में जाते हैं। मैं अभी देख रही हूँ ना तो ऐसा लग रहा है कि मैंने कपड़े तो बहुत ही कम लिए, मैंने ज़्यादा के ज्वेलरी ली है, और वहाँ मुझे ऐसा लगा था कि मैंने बहुत शॉपिंग कर ली है, बस हो गया। एनीवेज, सो द नेक्स्ट परचेज इज दिस पिंक जीन्स, और ये दोनों मैंने साथ में लिया था एंड आई गॉट इट फॉर रुपीज़ आई थिंक 1200 में दोनों ले लिए थे। वो पहले बोल रहा था 1000 कुछ तो बोल रहा था, तो मैंने बोला अरे यार सरोजनी आया है 1000 तक तो अपना मतलब माइंडसेट में रहता ही नहीं, अपन ऐसे जाते कि 500 के लेंगे, ऐसे 600 के लेंगे वगैरह वगैरह। तो मैंने बोला भैया 1200 के दो दे दो वरना मैं जा रही हूँ, क्योंकि अपन साइज़ भी अपन को पता नहीं पड़ता, मतलब जो स्ट्रीट शॉपिंग करते स्पेशली फॉर बॉटम्स कुछ समझ में नहीं आता। तो मैंने तुक्के में ले लिया था और इसकी फिटिंग मुझे आ गई है, बस थोड़ा सा टाइट है मुझे वेस्ट से, मतलब जैसे ज़्यादा खा ली तो मुझे बटन खोलना पड़ता है, उतना टाइट हुआ है, बाकी टाइम में पहन सकती हूँ, बट मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये कौन से ब्रांड का है, बर्श्का, मैंने इसका नाम सुना, मुझे प्रोनाउंस करना नहीं आता, पर ये इंस्टाग्राम में मैंने बहुत देखा है, उनको भी नहीं पता कि ये मतलब जनपद में 600 का ले लिए लड़कियाँ। अगेन मुझे बहुत टाइम से कलरफुल बॉटम लेने थे, ज़ारा H&M में मैंने देखा था और वो भी बहुत एक्सपेंसिव थे, तो क्योंकि मैं ये बहुत कम पहनूंगी इसके लिए मैं ऐसा सोच रही थी कि छोड़ना बाद में लेंगे, जब कोई इवेंट होगा जब कोई ज़रूरत पड़ेगी तब कलरफुल डेनिम्स लूँगी ज़ारा से, और वो मैं ले ही नहीं पा रही थी क्योंकि मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि यार कौन इतना स्पेंड करेगा, जैसे कि ब्लेजर पे हो रहा था। तो फिर मैंने ये जनपद से ले लिया और अगेन ये 600 रुपये का है, मतलब क्या ही है। और अब तक मैंने इसको पहना नहीं है, बट आई एम रियली एक्साइटेड टू वेयर दिस BRB। नेक्स्ट इज दिस शर्ट, ये एक काइंड ऑफ एनिमल प्रिंट का शर्ट है और ये
आई मीन ओके है, इतना वाव भी नहीं है, पर मुझे अच्छा लगा, पता नहीं कलर बहुत अच्छा है और इसका प्राइस है 100 rupees. मैंने एक पलक झपकते मैंने बोला ये लो पैसे और मुझे मेरा शर्ट दो, और ये हुआ मेरा. मुझे ना लगता है शायद ये कपड़े मतलब यूज्ड होंगे शायद, क्योंकि इनके टैग्स ना ऐसे कटे हुए रहते हैं. ये एक पता नहीं राज है, बताना सरोजनी और जनपद का राज क्या है. एंड नेक्स्ट आई हैव दिस, ये क्या बोलते हैं इसको, कुर्ता सेट. ये है इसका कुर्ता, ये है इसका पजामा, और ये कलर मुझे बहुत ही मतलब एकदम समर लगा, एकदम फ्लोरल और बहुत हैपनिंग है इसका प्रिंट. तो मैंने ये लिया और ये पूरा सेट मिला मुझे कुछ 1000 rupees का, विच इज़ रियली ग्रेट, क्योंकि 1000 rupees में तो कुछ नहीं मिलेगा. और ये तो बिल्कुल नहीं, ये मतलब पेपलम टाइप है लाइक दिस. इट ऑल्सो कम्स विद अ दुपट्टा, और ये भी मेरा बहुत क्विक परचेज था. आई मीन सिर्फ मैंने ऐसा 1000 rupees पड़ा मैंने ले लिया, लेकिन मुझे लगा कि मैं थोड़ा और बार्गेन कर सकती थी. मतलब सरोजनी जाके तो एकदम ऐसे हो जाता है कि मेरे कान में एक ही चीज बज रही है, 100 का 10 100 का 10 100 का 10, गुच्ची का परफ्यूम. मतलब हर चीज़ 100 रुपये मिले ऐसे दिमाग में लगते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है. अपन बार्गेन करते बाद में मुझे ऐसा लगता है यार अपन इतना क्यों बार्गेन कर रहे हैं, अपन मॉल में जाते हैं तो इतना अपन खर्चा करते हैं, और ये लोग मतलब सबसे अपन 50 रुपये लेके ले छिक छिक करते हैं, लेकिन मज़ा भी आता है थोड़ा बहुत, गिल्टी प्लेजर. हाउ मच इज इट? 8600. वी विल गिव यू $10. सो मैंने ना कपड़ों में इतना ही लिया है, मुझे अभी ऐसा लगा मैंने इतना कम लिया है, मैं खुद शौक हूँ. और मैंने और दो चीज़ें ली है, ये मैंने मम्मी के लिए लिया है, ये कुर्ता बहुत ही ब्यूटीफुल है यार, मुझे ये कलर बहुत अच्छा लगा, एकदम ब्लड रेड है, और लुक एट दिस एम्ब्रॉयडरी मुझे बहुत अच्छा लगा. और ये मैंने आई थिंक ये मतलब अच्छा प्राइस है इसका, इसका कुछ 1500 के अराउंड है, और ये मैंने शॉप से लिया था जनपद में, तो ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा. और ये तानिया के लिए लिया, ये भी बहुत प्यारा है, मतलब सेम एम्ब्रॉयडरी है, कलर सिर्फ अलग है, और इसको आप वन पीस जैसे भी पहन सकते हैं ऐसा. ये थोड़ा कश्मीरी वाइब दे रहा है वैसे, और ये भी कुछ 1200 या 1500 के अराउंड है, मुझे याद नहीं आ रहा, 10-15 दिन हो गए अपने सरोजनी से आए हुए. सो बस कपड़ों में इतना ही था. नाउ नेक्स्ट विल मूव ऑन टू ज्वेलरी. फर्स्ट आई हैव गॉट दिस वेरी एंटीक नेक पीस. ये मतलब वहाँ पे ऐसे रैंडमली पड़ा था, और पता नहीं मुझे ऐसा लगा कि इसके साथ बहुत कुछ कर सकते हैं. एक प्लेन ब्लैक ड्रेस के साथ भी बहुत अच्छा लगेगा, एक प्लेन वाइट कुर्ती के साथ भी बहुत अच्छा लगेगा. सो इट्स लाइक दिस. ये सिर्फ और सिर्फ मैंने 100 rupees का लिया है फ्रॉम जनपद, और इसके साथ मैंने बहुत सारी चीज़ें ली है. ये और एक ही शॉप से मैंने बहुत सारे सामान लिया था. मैंने ये इयररिंग्स लिए हैं, मुझे ना oversized, oxidized earrings बहुत पसंद है. So this is how it's looking. अभी जो मैंने टॉप पहना है उस पर इतना जा नहीं रहा है, उतना खिलके नहीं आ रहा है, लेकिन यार ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, मतलब सुहानअल्लाह सुहानअल्लाह. यार ये कितना सुंदर लग रहा है, मतलब मुझे लिटरली सिर्फ ऐसा ही चाहिए था, मुझे बहुत टाइम से ऐसा लिटरली ऐसा है, मतलब एग्जैक्ट ऐसा ही चाहिए था, क्योंकि मैंने किसी को तो देखा था ऐसा पहने हुए, और उसने कोई इंस्टाग्राम अकाउंट से लिया था, वो इंस्टाग्राम अकाउंट में बहुत एक्सपेंसिव था. तो ये मेरे दिमाग में कब से था कि मुझे ऐसा इयर रिंग लेना है, और ये मुझे सरोजनी में मिल गया एंड आई गॉट इट फॉर रुपीज 250 कुछ, मुझे भी याद नहीं आ रहा, हाँ 250 के अराउंड ही था. मतलब बाकी इयरिंग्स एक्सपेंसिव है, क्योंकि मैंने और भी इयरिंग्स लिए जो 50 rupees के वगैरह, लेकिन इसका तो बनता है यार 250-300 rupees तो बनता ही है. आई कांट वेट टू स्टाइल इट, ये अब तक बैग में कैसे, मुझे जल्द से जल्द स्टाइल करना पड़ेगा, और ये बहुत सुंदर लग रहा है, मुझे मज़ा आ गया. फिर सेम शॉप से मैंने ये भी लिए, ये इयरिंग्स भी बहुत सुंदर है, मतलब ये बहुत बड़ा है, और मतलब बहुत कम पहन सकते हैं, इसको ज़्यादा पहनेंगे तो हालत हो जाएगी. और कभी कभार जब ड्रेसअप होने का मन करता है, कभी कभार जब आप एकदम बोहो वाइब में जाना चाहते हो, यू कैन वेयर दिस. सो ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, मैं अभी पहन के बताती हूँ. अभी मेरे आउटफिट के साथ बिल्कुल नहीं जा रही है इसका, मुझे पता है, बट आप बस इयररिंग्स पर कॉन्सेंट्रेट करो. काफ़ी बड़ा है, मतलब सामने से ज़्यादा पहन के बड़ा लग रहा है. एंड दिस इज हाउ इट्स लुकिंग.
ये भी बहुत ही यूनिक परचेज है आई कैन से. मतलब जब आप इंस्टाग्राम पे या फिर कोई यू नो स्टोर में जाओ ऐसा लेने, तो आपको बहुत एक्सपेंसिव मिलेगा, मतलब 1500-2000 का मिलेगा. और ये मैंने सिर्फ 300 पीस का लिया है. नेक्स्ट एन ईयर रिंग्स आई गॉट दीज. ये वैसे ना एक्चुअली पहनने लायक है क्योंकि बहुत कंफर्टेबल है. और ये मैंने 100 रुपीज के लिए है. मुझे वहाँ इतना अच्छा नहीं लग रहा था, घर आके बहुत अच्छा लग रहा है. मैंने बहुत सारे इयर रिंग्स लिए तो मैं फटाफट आपको दिखाती हूँ. मैं साथ में अभी दो दिखाना चाहूँगी. दिस वन इज़ फॉर 50 रुपीज एंड दिस वन इज़ अगेन फॉर 50 रुपीज. 50 रुपीज सुन लिए मुझे ऐसा लगता क्या 50 रुपीज लिटरली. बहुत मज़ा आ गया. वैसे मुझे ना इसका कलर बहुत पसंद आया, लेकिन मुझे ना ऐसा ये क्या बोलते हैं इसको, हुक नहीं पसंद है मुझे. वो पेच बोलते ना जो पीछे लगाते हैं, वो वाला प्रेफर करती हूँ क्योंकि इसमें ना थोड़ा सा ओके लगता है, पर ये अच्छा लग रहा है. ओह माय गॉड, मैंने बहुत सही किया ये लेके. मुझे लग रहा था ये ओके लगेगा, लेकिन 50 रुपीज और मेरे हाथ में ही थे चेंज, तो मैंने ले लिया था. और ये बड़ा ही सुंदर लग रहा है. ये थोड़ा सा शकुंतला वाइब का है, बहुत सुंदर है ये भी, और सिर्फ 50 रुपीज का है. ये इसमें हेयर स्टाइल, बट दिस इज हाउ इट्स लुकिंग. नेक्स्ट आई हैव दिस ब्यूटिफुल बैंगल. ये मुझे बहुत सुंदर लगा, मतलब आधी नज़र में ही मुझे बहुत मज़ा आ गया था इसको देख के. दिस इज़ हाउ इट्स लुकिंग. बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा यूनिक पीस है. आई मीन बाकी चीज़ें आपको कहीं और मिल सकती है, पर ये चीज़ें नहीं मिल सकती है. और ये देख के मुझे ऐसा मज़ा आ गया, एकदम मैं डीप थॉट में चली गई कि इंडिया का कल्चर कितना सुंदर है. और ये जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं ना, कुछ अलग ही बात है. तो ये भी मुझे बहुत पसंद आया. और ये मैंने जनपद से लिया फॉर 200 or 250 रुपीज़, मुझे याद नहीं है. मतलब मैं हर वक्त वहाँ पर गूगल पे लेके खड़ी थी, वैसे इतना स्कैन किया ना मैंने पूरे जनपद सरोजनी में. मतलब तुम्हारा 2-3 रुपया कैश बैक. हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती, उसका मतलब ये होता कि इन्हें उन तकलीफों से डील करना होता. आई हैव गॉटन मोर बैंगल्स. और ये ऑक्सीडाइज्ड है और ये 50 रुपीज का पेयर है. मतलब सो नाइस, 50 रुपीज का. मैंने इसे 6 लिए. मैं इसको ऐसे स्टाइल नहीं करूँगी, मे बी मैं इसको ऐसे दो पैर यहाँ रखूँगी, दो पैर मतलब डिवाइड करूँगी और बीच में कुछ कलर डालना चाहूँगी. फॉर एग्जाम्पल येलो, ग्रीन, और तो मज़ा आएगा क्योंकि ऐसे ना काफ़ी फ्लैट लग रहा है, मतलब ऐसा दिख के नहीं आ रहा है. नाउ द लास्ट ज्वेलरी आई हैव इज़ ए नेक पीस. मैं जब मैंने ये लिया तब तक मैं नो बाय मोड में चली गई थी कि बस अब मुझे नहीं लेना है, क्योंकि मेरा बैग बहुत हैवी हो गया था और बैग ने इनकमिंग बंद कर दिया था क्योंकि हद पार हो गई थी, वो बहुत हैवी हो गया था. लेकिन मैंने इसको देखा और ये सुंदर तो है ही, लेकिन मैंने ऐसे प्राइस पूछे कितने का है, तो उसने बोला 50 रुपीज़. तो मुझे लगा बस करो यार, थोड़ा एक्सपेंसिव बोलो जिससे कि मैं बंद कर दूँ लेना. फिर मैंने इसको ले लिया और ये भी बहुत सुंदर है. यू कैन ऑल्सो डेफिनेटली लेयर अ चोकर विद दिस, ए स्मॉल चोकर, ऑक्सीडाइज चोकर, और वो बहुत अच्छा लगेगा. अगर आपने अब तक गेस नहीं किया होगा मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल देख के, मैं बताना चाहूँगी लेटली आई हैव बीन रियली इन टू बैग्स, लग्जरी बैग्स. मुझे ना पता नहीं ऐसा मन किया कि मैं लग्जरी बैग्स लूँ. धीरे धीरे मुझे समझ आ रही है कि मतलब ऐसा थोड़ा स्टेटस सिंबल जैसा होता है. और मैं दूसरे ब्लॉगर्स क्रिएटर्स को देखती हूँ तो मेरा भी मन करता है. पहले मुझे ऐसा लगता था कौन इतना पैसा डालेगा बैग में, क्योंकि तो धीरे धीरे मैं थोड़ी चेंज हो रही हूँ और मुझे मन कर रहा है लेने का. मतलब जितना मुझसे हो सके उतना, मतलब एकदम ही तूफानी नहीं करना है कुछ. तो मैं बहुत ज़्यादा इंटू बैग्स हूँ, लेकिन मेरा पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया है. जैसे मैं जनपद गई थी, मुझे इतना सुंदर एक बैग मिला है. आई गॉट इट फ्रॉम गुजराती लेन कहते हैं ना, उसमें बहुत ही सुंदर बैग मिला. जैसे मैं और सिमरन चल रहे थे, ऐसे देखा हमने, ओ माय गॉड, मतलब ओएमजी, ये शॉट आई एम गोना गेट दिस वन. ये शॉट करूँ क्या? तो कलरफुल है शॉट, नहीं बोलूँगी. हेवन लग रहा था. सो दिस इज द बैग, मतलब अभी भी मेरी आईज लिट हो गई इस बैग को देख के. और ये मेरा सबसे एक्सपेंसिव परचेज था उस दिन का. आई गॉट इट फॉर ₹1900. और ये छोटा वाला है, बड़ा वाला भी था, वो बड़ा वाला 4000 का था.
तो 4,000 तो मुझे बहुत ज़्यादा लगा क्योंकि मैं सरोजनी गई थी, तो मेरे दिमाग में इतना नहीं था कि मैं इतना एक्सपेंसिव इतना स्पेंड भी करूँगी। तो मैंने ये मिनी वाला लिया, बड़ा वाला थोड़ा इनकन्वीनियंट लगा मुझे, तो मैंने ये छोटा वाला लिया। और आपने ऑलरेडी देख ही लिए होंगे पिक्चर्स इसमें, मैं यहाँ पे डाल देती हूँ। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा, आई थिंक ये मैं अपने साथ लाइफ टाइम रखना चाहूँगी, मुझे बहुत सुंदर लगा। और वो आंटी भी बहुत स्वीट थी, जो भी वो सेल कर रहे थे वो गुजरात के थे, कच्छ से, और वो हाथ से बना रहे थे। और ये सब मिरर्स कस्टमाइज हो जाते हैं, ये सारे जो भी है। और ये थोड़े एंटिक ही रहते हैं, थोड़े देखो ऐसे ख़राब से है, लेकिन ये इनका मज़ा वही है, ऐसा उन्होंने कहा और मुझे भी वही लगता है। हमारा ना इंडियन कल्चर बहुत सुंदर है, इतना कलरफुल है ना, मतलब उस दिन तो मुझे मज़ा ही आ गया ये बैग देख के। मेरी ज़िंदगी का सबसे मतलब यूनिक परचेस होगा, सबसे यूनिक। और भी बैग्स हैं जो यूनिक पे यूनिक है मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने कभी ऐसे बैग्स ही लिए हैं। नेक्स्ट वन इज दिस ब्यूटिफुल बैग, मतलब कितना विंटेज है और इतना सॉलिड है। मैं यही सोची थी अगर ये चीज़ शोरूम में मिलती तो वो मिलता 5,000-10,000, एंड आई गॉट दिस वन फॉर आई थिंक 600 का लिया ये। और इसके साथ मैंने ये लिया है, आई नो आपको मे बी कॉमन लगे आप दिल्ली से हो तो, लेकिन मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। मतलब मैं बस मेरा मन कर रहा है मैं रोज़ कुर्ते पहनूँ और ये बैग्स कैरी करूँ, ये मुझे इतने अच्छा लगे। दिस वन इज़ फॉर 600 एंड दिस इज़ ऑल्सो फॉर 600, सो 1200 के दो मिले, विच इज़ अ रियली ग्रेट डील। और ये तो मुझे बहुत ही मज़ा आया, थोड़ा सा गंगूबाई स्टाइल का भी लग रहा है। जिसने भी बनाया है, जो भी आर्टिस्ट है, उसको सैल्यूट, क्योंकि मतलब बहुत ही सुंदर चीज़ है। मैंने कोई भी प्रोडक्ट के लिए आज तक लाइफ में ऐसे वन टेक में बोला नहीं है, तो ये मुझे दिल से बहुत अच्छे लगे। और ये दूसरा ये है, अगेन ये भी एक स्टेटमेंट प्रोडक्ट है, अगर आप बेसिक आउटफिट पहनो और ये पहनो तो इतना सुंदर लगेगा। इधर एक स्लिंग चेन भी आती है। So that's it for today's video. I hope you guys enjoyed it. I really enjoyed filming this video. Outro hone aaya. Outro shoot kare hone aaya. Bye. And I'm also gonna say you guys bye. I'm gonna end my video here. I'll see you next Friday. Bye.